क्या आपने आईपीएल वाली वीडियो बनाई, अपने चैनल पे अपलोड करिए तो हो जाइए सावधान, क्योंकि एक आईपीएल वाला वीडियो आपके वीडियो को डिलीट कर सकता है और आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा, और वो क्यों आएगा एंड किस लिए आएगा वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कि ऐसे बहुत सारे चैनल है जिन्होंने अभी देख रहे हो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ते हो, तो आपने उसी के रिकॉर्डिंग एक आईपीएल का वीडियो भी बनाया, जो कि आईपीएल का वीडियो तो बना लिया पर आपको ये नहीं पता कि आईपीएल की वीडियो में आपने दिया क्या है। क्योंकि सभी को पता है कि मोस्टली अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, भाई हमारे वीडियोज पर व्यूज आएंगे और क्यों ना हम भी आईपीएल की वीडियो बनाए। लाइक उसमें आपने आईपीएल का बढ़िया सा थंबनेल लगा दिया कि आईपीएल 2022 बिल्कुल फ्री में देखे, वो भी इस ऐप से, इस एप्लीकेशन की मदद से, या फिर ऐसे जो भी आपका ट्रिक, आपने बहुत सारे जैसे अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैं किसी यूट्यूबर को टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एक छोटी सी गलती कैसे आपके चैनल पर स्ट्राइक ला सकता है सिर्फ एक वीडियो की वजह से जो आईपीएल के अकॉर्डिंग आपने बनाया है, जो आईपीएल के लिए बना रहे हो कि भाई लाइव आईपीएल कैसे देखे वो भी फ्री में। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस जो आईपीएल को फ्री में देखना चाहती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता कि फ्री में कैसे देखे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर से बस जो बिगनर भी वो भी और जो बड़े यूट्यूबर है वो भी बनाए जा रहे भी आईपीएल कैसे फ्री में देखे, बस बढ़िया बढ़िया थंबनेल लगा देते लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता, खाली वो वीडियो होता है कि बस अपने आप में समझा देते और आईपीएल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है वो भी नहीं रहता है। मैंने इसके अकॉर्डिंग पहले भी वीडियो बनाया था पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। थर्ड वीडियो इसलिए बना रहा क्योंकि ऐसे एक बंदे का वीडियो डिलीट हो गया जो आईपीएल के नाम पर वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ आईपीएल का नाम लिया था और उनका वीडियो डिलीट हो गया। वो क्यों हुआ, तो सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए। मेरी आईपीएल वाली वीडियो डिलीट हो गई, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। तो गाइस ये थे हमारे टेक चैंपियन सपोर्ट जिनका वीडियो डिलीट हुआ, क्यों डिलीट हुआ वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना, अगर आप बिगनर हो, यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आपको देखना। अगर आप मेरे वीडियोस पूरा नहीं देखते इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। अगर सीख से सीख जाओगे तो इसके बाद आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, आपका कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होगा। तो गाइस चलिए शुरू करेंगे आज के वीडियो। से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर करना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस आप सभी को पता है कि आईपीएल 2022 शुरू हो चुका है और ट्रेंडिंग चल रहा है, भाई हर कोई बंदा, जितने भी यूट्यूबर्स बिगनर्स है वो सब आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे किसी का थंबनेल कॉपी कर रहा है, कोई किसी का कुछ कॉपी कर रहा है और बस वीडियो बना रहा है कि इस कोशिश में कि भाई मेरे चैनल पर अधिक से अधिक व्यूज आएंगे और जहां से व्यूज आएंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और मेरे वीडियो और मेरे चैनल पर वॉच टाइम भी बढ़ेगा। तो जैसे सारी चीज़ों के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ते, पर आपको पता है कि आईपीएल की एक छोटी सी गलत जानकारी देने से आपका वीडियो डिलीट हो सकता है। वो कैसे होगा तो आज इस वीडियो में को बताने वाला। तो सबसे पहले आप ये क्लिप को देखिए। ये देखिए रात में ये मुझे 12:30 बजे के करीब मुझे मेल रिसीव हुआ, देख सकते हैं कि आपका जो वीडियो टेक डाउन कर दिया गया है और किसकी वजह से टेक डाउन किसने किया, नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने मेरे वीडियो को ब्लॉक कर दिया। कि मुझे लगता है कि आईपीएल का नाम लेने से ही हो सकता है दे दिया हो कॉपीराइट। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, आ सकती है, क्योंकि मैंने, मुझे पता है ना कि मैंने इसमें पहले भी काम कर चुका हूं, लेकिन इससे आपको बहुत से कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारे टेक चैंपियन सपोर्ट सर, इनको पता था कि आईपीएल पे वीडियो बनाने वाले फिर भी इनका वीडियो डिलीट होगा, इन्हें पता था लेकिन फिर भी इन्होंने आईपीएल पे वीडियो बनाया क्योंकि इनका वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि डिलीट हो जाएगा, स्ट्राइक आएगा। लेकिन वो स्ट्राइक कहाँ से मिला उन्हें, उन्हें दिया है जो आईपीएल की बड़ी बड़ी कंपनी, जो आईपीएल की कंपनी होती है, इंटरटेनमेंट कंपनियाँ होती है, वो भाई आप कैसे फ्री में दिखा रहे हो, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक दिया और इनका वीडियो डिलीट कर दिया। जो कि अभी 3 दिन पहले 6 से 7 लाख व्यूज थे और अभी 8 लाख हो चुके थे, लेकिन फिर भी इनके वीडियो को डिलीट किया जा रहा है। ऐसे इनके पास मेल भी आ गई क्योंकि एक आईपीएल पर बनाया वीडियो आपका वीडियो डिलीट कर सकता है सिर्फ एक गलती की वजह से कि वो आईपीएल पे बनाया। और बहुत सारे वीडियोस इसलिए डिलीट होते हैं क्योंकि आईपीएल के वीडियो तो बना देते लेकिन उसमें कुछ दिखाते नहीं, क्योंकि भाई आईपीएल को फ्री में देख नहीं सकता। लेकिन मैंने आपके लिए ऐसा एप्लीकेशन लाया था जो कि मैंने उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप देख सकते हो क्योंकि वहां से आप आईपीएल के लाइव स्कोर देख सकते हो, लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। मैं ये तो नहीं बोल सकते कि आप जैसे अभी देख रहे हो मेरे वीडियो सेम चीज लाइव देख सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जिसे हम डी लाइव नाम देते हैं वैसा आप वीडियो देख सकते हो, लेटेस्ट वीडियो जिसे हम बोलते हैं, मतलब 10 मिनट 15 मिनट या कैसे विकेट हुए, रन आउट हुए, वो सारे वीडियोस रहते हैं, वो चीज आप देख सकते हो उसमें। एंड सेकंड चीज पे आते हैं कि लाइव स्कोरिंग। लाइव स्कोरिंग पता चलेगा भाई कितने रन हो रहे, कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन विकेट ले रहा है, कैसा कैसा जा रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग जो अपने फुल वीडियो बनाया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वो वीडियो जरूर देखिए जहां से आप आसानी से देख सकते हो, और उस पर अगर आपको वीडियो बनाना है तो उस पर भी आप बना सकते हो। तो कैसे बहुत अच्छी बात है। और स्ट्राइक की बात करो तो स्ट्राइक कैसा, अगर आपको भारी
स्ट्राइक आती तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यूट्यूब ने ही कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वाली स्ट्राइक मार दी तो आपके चैनल पर फर्स्ट वार्निंग आ जाएगी, यानी कि सिर्फ दो बचे रहेंगी और दो आई तो उसके बाद आपका चैनल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो ऐसी सतर्कता रखनी, आईपीएल पे आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाना जहां से आपका चैनल डिलीट हो जाए। मैं तो बस आप सभी को यही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़िए लेकिन ऐसा टॉपिक मत पकड़िए जहां से आपका चैनल डिलीट हो जाए, जब आपको रोना पड़े वीडियो डिलीट हो गए तो गाइस आपकी मेहनत है, आपने अगर 24 घंटे दिया उसको, उसमें 24 घंटे आपकी सोच समझ एडिटिंग बहुत सारी चीज़ होती है, वीडियो अपलोड करना कितनी सारी सोच है, अगर वही चीज़ को आप अच्छे से बताते तो आगे क्या जाता, 8 लाख व्यूज़ आए थे वहीं पे 8 लाख के बाद कितने सारे व्यूज़ आते। लेकिन टेक चैंपियन सपोर्ट सर को पता है, वो काफ़ी साल से यूट्यूबर है और उन्हें सारी चीज़ का एक्सपीरियंस है कि इस पर वीडियो बनाऊंगा तो कितने डिलीट हो जाएगा। लेकिन उनका एक मकसद भी था, वो मकसद ये था कि भाई उस पर अच्छे खासे 8 लाख व्यूज़ आ गए तो उसे कुछ सब्सक्राइबर भी आ गए और उन्होंने जैसे बताया कि $500 भी कमाई कर चुके हैं और उन्हें वो मिलेंगे भी। तो गाइस बहुत अच्छी बात है, अगर 3 दिन में $500 तो यानी कि 40,000 रुपये उन्होंने कमा लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चीज़ पता है तो बनाइए, कैसे क्या करना, लेकिन यहाँ पे बस आपको एक सावधान होना है कि आपका चैनल डिलीट हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक, अगर 3 महीने में 3 आ गई तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। यही चीज़ से आपको बचना है एंड IPL पे ऐसे वीडियो मत बनाइए। अगर आपको आइडिया है तो ही आप ऑडियंस के लाइए, क्योंकि ऑडियंस आपको इसलिए देखती है क्योंकि आप उसे सही जानकारी देते हैं। हम मल्टीपल नॉलेज पे सटीक जानकारी इसलिए लाते हैं क्योंकि हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी के बाद हम आपके लिए लाते हैं कि अगर मेरे वीडियो पे कोई ऑडियंस आती है तो उस वीडियो भरोसे के साथ देख सके, आने वाले वीडियोस भी वो भरोसे के साथ देख सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर वो मेरा सब्सक्राइबर है तो मैं उसके लिए सटीक जानकारी लाऊंगा कि भविष्य में उसे कोई तकलीफ नहीं। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे और आप मल्टीपल नॉलेज के साथ हमेशा अपडेट रहे। सो गाइस ये वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।